फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल कुक विद शुश में। तो कुक विद शुश में आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आलू और बिरिया की सब्जी। ये सब्जी बिहार की फेमस रेसिपी है। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा हट के आता है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच पीला सरसों लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, कुछ कलियाँ लहसुन की ली हैं, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जो भी मसाले और हैं मैं यहाँ पे उनके नाम मेंशन कर दूँगी। 2 बड़े टमाटर लिए हैं और 1 बड़ा प्याज लिया है यहाँ पे, इसका भी हमें पेस्ट रेडी कर लेना है। ये देखिए, दोनों पेस्ट हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। दोनों पेस्ट हमारे, ये टमाटर और ये जीरा लहसुन का जो मसालों वाला पेस्ट था वो रेडी हो चुका है। चलिए आगे के प्रोसेस में, यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से आलू लीजिए। आप चाहें तो आलू कच्चे वाले भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलू उबाल के लिया है। इनको मैंने मीडियम पीसेज में कट कर लिए हैं। गैस पर 1 पैन चढ़ाएँगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, सरसों तेल का ही इस्तेमाल करिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पोटैटोज़ जो हैं हम उन्हें फ्राई कर लेंगे। याद रखिए, उस पर ब्राउन लेयर नहीं आना चाहिए, बस एक सौंधा सा टेस्ट आ जाए उतना ही भूनना है इसको। आलू हमारा यहाँ भून चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम बिरिया डाल देंगे। बिरिया को बहुत लोग अरकोंच भी बोलते हैं। जब किसी भी पत्तेदार सब्जी या साग का मौसम रहता है तो उन पत्तों को अच्छे से धो के थोड़ा सुखा लिया जाता है और बेसन या दाल का पेस्ट बनाकर उसमें इन्हें लपेट के अच्छी तरह से सुखा के रख लिया जाता है उस सीज़न के लिए, जिसमें वो अवेलेबल नहीं होते हैं। उसमें जब इसका सब्जी बनाया जाता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने जो बिरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो खेसारी के साग का बिरिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसका आप चने के दाल का भी बिरिया बनता है, बथुआ के साग का भी बिरिया बनता है और अरबी के जो पत्ते होते हैं उसका भी बिरिया या अरकोंच बनता है। यहाँ पे अरकोंच मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। दूसरे पैन में मैंने तड़का लगा लिया है जीरा और तेजपत्ता से, और जो मसाला हमने पेस्ट बना के रखा था उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसे हम स्लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ इस स्टेज पे मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए, तेल छोड़ने लगा है मसाला हमारा, ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम लहसुन और सरसों वाला जो पेस्ट था वो डाल देंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। ये मसाला डालने के बाद हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो सरसों जो है वो कड़वा कड़वा टेस्ट देने लगता है। थोड़ा सा चला लेने के बाद 2 मिनट जैसा स्लो फ्लेम पे हम आलू इसमें ऐड कर देंगे और उसे मसालों में लपेट के इस तरह से और अच्छे से स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे कि आलू के अंदर अच्छे से हमारा जो मसाला है वो घुस जाए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आने लगे। थोड़ी देर चलाते हुए पकाएँगे इसको। बिरिया आलू की सब्ज़ी बेसिकली बिहार में ज़्यादा करके बनाया जाता है, वहाँ का फेमस डिश है ये। देखिए, यहाँ आलू और मसाला हमारा भून गया है। जितना आपको इसके अंदर ग्रेवी रखना है वो डाल दीजिए और जब ग्रेवी बॉयल होने लगे उसके बाद हम इसमें भुना हुआ बिरिया जो हमारा रखा है उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिरिया डाल के सब्जी को हमें ज़्यादा देर तक खौलाना नहीं है। देखिए, यहाँ बिरिया मैंने डाल दिया है सब्जी के अंदर। अब इसे अच्छी तरह से चला के मिला देंगे। हल्के हाथों से मिलाना है, नहीं तो बिरिया हमारा टूट जाएगा। अब बिरिया डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। ये सब्जी देखिए हमारा पक चुका है। अब इसको हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे, ग्रीन कोरिएंडर धनिया पत्ते से इसकी गार्निशिंग कर देंगे और अपने फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। इसे आप रोटी या चावल के साथ इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्जी जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसे सर्व करिए। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है सब्जी देखने में ही। यकीन मानिए, इसे खाने में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना देखने में आ रहा है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए इसे। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।